मित्रों नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय दीक्षित, अनंत यात्रा में आपका स्वागत है। आज मैं आपसे बात करने आया हूं कि डर के आगे जीत। अब बात यह है कि डर आखिर किस तरह का डर, और उस डर को खत्म कैसे किया जाए, इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूं। पृथ्वी के एक हिस्से में एक बार अकाल पड़ता है। इंसान तो इंसान, जानवर भी परेशान हो जाते हैं, और अपने जीवन यापन के लिए, अपने प्राण बचाने के लिए सब इधर उधर भाग रहे हैं। एक दिन एक जंगल में सियार अपने मित्रों से कहता है कि हमको जंगल से बाहर चलना चाहिए, हमको अगर अपने जीवन को बचाना है हमको इस जंगल से बाहर जाना होगा। उसके सभी मित्रों ने एक सुर में यह कहा कि भाई जंगल तो नहीं छोड़ेंगे, चाहे हमारा जीवन ही क्यों ना चला जाए। खैर, सियार ने उनकी बातों पे बहुत ध्यान नहीं दिया और वह उस जंगल से बाहर निकल गया। जंगल से बाहर निकलने के बाद उसको सबसे पहले एक ऐसी रणभूमि मिली जहां से बहुत तेज मांस की खुशबू आ रही थी, तो उसको लगा कि मेरा पेट यहां भर जाएगा और मेरा जीवन बच सकता है। और वो ऐसी रणभूमि थी जहां अभी हाल में ही एक युद्ध समाप्त हुआ था। लेकिन समस्या ये आई कि जैसे जैसे वो रणभूमि की तरफ आगे बढ़ा, वहां से बहुत तेज नगाड़े की आवाज उसके कानों में चुभने लगी। अब उसको एक नया डर सता रहा था कि कहीं कोई मेरा शिकार न कर ले। थोड़ी देर के लिए सियार एक जगह पर रुकता है और आवाज लगातार आ रही है, बढ़ती जा रही है। उस सियार ने काफी विचार किया। उसने सोचा, बिना भोजन बिना पानी के भी तो मैं मर रहा हूं, अगर मैं रणभूमि में पहुंच गया और मेरी मृत्यु हो गई तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी, मतलब मृत्यु दोनों स्थिति में हो सकती है, तो मरने से पहले एक चांस लिया जाए। और अब उसने अपने दिमाग पर, अपने डर पर काबू पा लिया, अपने डर को मार दिया। अब वो लगातार आगे बढ़ता रहा, ठीक उसी दिशा में जिस दिशा से आवाजें आ रही थी। वो आवाज की दिशा में बढ़ता रहा, बढ़ता रहा, बढ़ता रहा। थोड़ी देर बाद क्या देखता है कि बिल्कुल आवाज के समीप पहुंच गया। वहां पर पे कोई भी जिंदा व्यक्ति नहीं, और ढोल और नगाड़े की जो आवाज आ रही है वो दो पेड़ों के बीच से बहने वाली हवा के कारण आ रही। अब वो आश्वस्त हो गया कि यहां कोई नहीं है। उसने अपने डर पे पूरी तरह से विजय पा ली थी। उसने भरपेट भोजन किया और सैनिकों के पास जो पानी रखा था, रसद रखी हुई थी, उस पानी को उसने पिया। उससे उसे कई दिनों तक का काम चल गया। तो कहने का तात्पर्य इस कहानी के माध्यम से मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप अपने अंदर के डर पर काबू पाइए, अपने डर को मारिए, तभी तो कहते हैं डर के आगे जीत है। मित्रों, आपको यह कहानी कैसी लगी, आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स करिए। और मैं कहना चाहूंगा कि आप जीवन पथ पर लगातार आगे बढ़िए। डर कोई चीज नहीं होती, आपके दिमाग की एक उपज, आपके दिमाग की एक सोच, तो आप जैसा सोचेंगे वैसे बन जाएंगे। तो आप डर के आगे जीत है इस बात पर विश्वास करते हुए आगे बढ़िए। धन्यवाद।